अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है वेंसडे और आज मैं 12 बजे उठ गई थी। जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ किचन में तो किचन का ये हाल हो रहा था, पूरा ऊपर से पानी ड्रिप हो रहा था। पता नहीं एसी का था कि गीज़र का था, समझ में नहीं आया। फिर मैंने जो फ्लैट का ओनर था उसको वीडियो बना के भेज दिया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक नहीं आया था। तो बस मैंने ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना लिया, पानी ड्रिप होता रहा और गिरता रहा मेरे ऊपर भी, लेकिन फिर भी मैंने ब्रेकफास्ट ऐसे ही बना लिया। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये सामान जो नज़र आ रहा है ये मेरा नहीं है, ये हमारे फ्लैट में एक अफ्रीकन आई है, तो वो हफ्ते में एक ही बार कुकिंग करती है, तो सारे दिनों की कुकिंग वो आज ही कर लेगी। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, इशार के लिए चीज़ ब्रेड और मेरे लिए चाय और पापे, और इल्हाम के लिए मिल्क। बाबा जब फजर की नमाज़ पढ़ने के बाहर जाता है तभी वो बाहर से ही ब्रेकफास्ट करके आ जाता है, तो इस टाइम पे सिर्फ हम लोग ही ब्रेकफास्ट करते हैं और बाबा सिर्फ शाम को खाना खाता है। फिर आज 22 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक हमने दुबई में कोई भी रूम डिसाइड नहीं किया है कि हमने कौन सा लेना है, क्योंकि अभी तक के एरिया भी नहीं फाइनलाइज किया कि हमने कौन से एरिया में लेना है। और कभी रमीज़ बोलते हैं जुमेरा में ले लो, कभी बोलते हैं ममजार में ले लो, कभी बोलते हैं कि अलबरका में ले लो, तो मतलब अभी तक के कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कहाँ लेना है। मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले जितने भी बिस्तरे हैं, टावल्स हैं, वो सारे वो यहाँ से ही वॉश कर लूँ, क्योंकि दुबई में जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं वॉशिंग मशीन होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ फर्निश थी और वहाँ पे अभी तक जो भी रूम देख रहे हैं वो खाली है, तो सारा सामान हमें ए टू जेड लेना पड़ेगा। दुबई में अभी जो भी रियल इस्टेट एजेंट है उनका एक बड़ा स्कैम चल रहा है, तो ये दुबईसल पे जितने भी एजेंट्स हैं तो इन्होंने जो भी फ़ोटोज़ डाली होती है वहाँ पे रूम की, वो फ़ोटोज़ उस रूम के नहीं होते हैं। जब उनको कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैडम ये रूम तो चला गया है, दूसरा रूम है, मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ। जब वो पिक्चर सेंड करते हैं तो वो इतनी गंदे से विला की मतलब पिक्चर होती है, या इतने से गंदे से अपार्टमेंट की होती है, उसके अंदर कोई चीज़ बराबर नहीं होती है, ना वॉशरूम ना किचन, और हर चीज़ गंदी होती है। और जो इन लोगों ने पिक्चर लगाई होती है वो एकदम लग्जरी फ्लैट की लगाई होती है, जिसके अंदर हर चीज़ मतलब फर्निश अपार्टमेंट है, मतलब उसके अंदर किचन आइटम भी हैं, बेड भी है, कैबिनेट भी है, ऐसी पिक्चर लगाई होती है। रमीश को कॉल आया था, वो बोलते आज मैं घर नहीं आऊँगा, आज मेरा ओवर टाइम है, तो जब कभी छुट्टी मिलेगी तब हम जाएंगे रूम देखने के लिए और उसी दिन सारा कुछ फाइनलाइज करके आएंगे। तो अब आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल गोश्त और बच्चे अंदर खेल रहे हैं, माहिरा भी आ गई है। माहिरा अभी इंडिया जाने वाली है एक महीने के लिए छुट्टियों पे, तो इशाल को मैंने बोला तुम भी माहिरा को बाय बाय कर दो, क्योंकि अब पता नहीं हमें दोबारा अजमान कब आने मिलता है। गोश्त में सारे मसाले डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है, और साथ में मैं रोस्ट कर रही हूँ 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा, और इसको जब अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएगा इसको भी मैं चम्मच से कूट के साइड में रख लूँगी। सुबह से किचन की ये हालत है, लेकिन अभी तक कि वो आया नहीं ठीक करने के लिए, पूरे किचन में पानी पानी हो रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है। एक यहाँ पर मैंने जग रख दिया है और यहाँ पे ऐसे बस पूरे में ड्रिप हो रहे हैं, यहाँ से पैर जा रहे हैं रूम तक, रूम भी गंदा हो रहा है। जब तक ये गोश्त गलेगा मैं बाकी के सारे काम ख़त्म कर लूँगी, बर्तन भी वॉश कर लूँगी, सैलड भी बना लूँगी, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया भी काट के रख दूँगी। घर में मोटर या मिक्सर ग्राइंडर ना हो तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं चम्मच से इस तरह लगातार कूट रही थी तो आज चम्मच ही टूट गया मेरा। गोश्त करके बस मसाला भी भून गया, अब इसमें दाल डाल के पानी डाल के इसको फिर से कुकर को बंद करके दाल को बना लेंगे। फिर तो थोड़ा सा मैंने अखा गरम मसाला भी डाला है, होल साबित गरम मसाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल पक के रेडी हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें साबित गरम मसाला मैंने ऐड किया था। अब इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर और साबित धनिया जीरा जो मैंने कूट के रखा था, उससे और इसका जायका डबल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह किचन के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अभी 9:15 बज गया है। अभी हम जा रहे हैं रोटी लेने के लिए, क्योंकि रमीश तो आज रात में आएंगे नहीं, तो बस हमें रोटी लेने जाना पड़ेगा। दोनों बच्चों ने अपने पोंचो पहन लिए क्योंकि इन्होंने शावर लिया था, इनको ठंड लग रही है तो बाहर भी ठंडी हवा चल रही है। माशाल्लाह दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, दोनों को नींद आई हुई है। इल्हाम को तो बाहर जाने के नाम से नींद उड़ जाती है और इशाल बोलती है मुझे सोना है, लेकिन मैंने बोला अभी मत सो, अभी सोगी तो फिर रात में फिर उठ जाओगी, तो इसलिए उसका मूड भी खराब है। क्यूट लिटिल डकीज, इट्स लुक लाइक योर डक्स। चल कम।
9:30 बज रहे हैं और बस अभी हम लोग डिनर करने लगे हैं। आज रमेश तो आएंगे नहीं, तो आज हम उनके बगैर ही डिनर कर रहे हैं। आज अजीब भी लग रहा है, वो घर में नहीं है। तो आज है थर्सडे, रमेश सुबह में 9 बजे आए हैं और अभी बज रहे हैं 9:45। और मैंने ब्रेकफास्ट बाहर से ऑर्डर कर लिया था क्योंकि रमेश को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और रमेश बच्चों के लिए साथ में चिप्स और चॉकलेट वगैरह भी लेके आए थे। आज का जो ब्रेकफास्ट है हमने अल्फ़ाकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है जो हमारे घर के पास में ही है। पहले हम लोग यहाँ से 3 धर्म वाला ब्रेकफास्ट लेते थे और इनकी जो निहारी है वो एक नंबर है। सुबह 9 बजे आए थे रमेश और अभी 12:45 बज रहे हैं, अभी जा भी रहे हैं। हम पीछे लग रही है इसके लिए, उसको बस नीचे ग्रोसरी तक लेके जाऊँगी फिर ले आऊँगी। वो आए थे क्योंकि कपड़े वपड़े भी नहीं थे उनके पास, वो कपड़े भी चेंज करना था उन्होंने कल के गए हुए थे, तो पूरी रात काम किया उन्होंने और फिर सोने भी नहीं मिला उनको, सिर्फ 1-2 घंटे सोए हैं बस पूरी रात में और अभी फिर चले गए। इसलिए बोलते हैं कि अभी जा रहा हूँ क्योंकि शायद से कल मुझे छुट्टी मिल जाए, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। तेज धूप निकली हुई है, बाप रे ऐसा लग रहा नहीं कि सर्दियाँ आ गई हैं। रात में बस की ठंडी ठंडी हवा चलती है और इस टाइम पे तेज धूप है, बस आके बैठ गई है अंदर जल्दी से। मम्मी सिट डाउन ना, मम्मी मम्मी नॉट कमिंग, हे डैडी बाय, लुक दिस डैडी इज गोइंग, बाय शला प्लीज मेल्टिंग। तो बस इसको एक राउंड कराया, साथ में आइसक्रीम दिलाई और रमेश ने हमें घर पे ड्रॉप कर दिया और वो चले गए अपने जॉब पे। अगेन मेल्टिंग मम्मी, बार बार मुझे खा के देखना मिला पड़ती है। तो दोपहर में हम लोग 1:30 बजे वापस से सो गए थे क्योंकि सुबह हम लोग उठ गए थे 9 बजे, 9:30 बजे जब रमेश आए थे। उसके बाद में जब रमेश चले गए तब हम लोग वापस सो गए और अभी उठे हैं 3:15 बजे। विशाल ने नमाज पढ़ ली है, अभी मैं पढ़ूंगी और उसके बाद में चाय बनाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था सुबह में तो अभी चाय बना लेंगे बस। शाम के 4 बज गए, चाय मैंने बना ली है और ये बचा कुचा सुबह का नाश्ता है, इसको भी अभी फिनिश करेंगे। और विशाल को निहारी इतनी अच्छी लगी तो बोलती है मुझे अभी भी निहारी खानी है। कपड़े वगैरह मैंने वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिए और जो सूख गए हैं उनको अभी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। 6 बजे माहिरा आ गई थी तो बस अभी शाल ईशा के बाद जाएगी कुरान पढ़ने के लिए, जब तक के बस थोड़ा टाइम पास कर लेंगे लोग, फिर इसको ड्रॉप भी कर देगी माहिरा को और फिर कुरान भी चली जाएगी। 7 बज गए, शाल को जा रही हूँ कुरान छोड़ने के लिए, इल्हाम भी पीछे लग रही है तो बस मैं भी जा रही हूँ, माहिरा को भी ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे। इशाल और माहिरा को मैंने ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद मैं गई थी लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़े देने के बाद में अभी मैं जा रही हूँ इशाल के पास क्योंकि इशाल बोलती है कि मम्मा तुम आज आना और मेरा कुरान सुनना कि मैं कैसा पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो। मैं यहाँ पे मीरब से पूछ रही कि तुम पूरे दिन में कितने घंटे लैपटॉप यूज़ करती हो, कितने घंटे यूट्यूब वॉच करती हो, गेम्स कितने घंटे खेलती हो, तो वो बोलती सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा। मैंने बोला 1 घंटा, इशाल तो 24 आवर यूज़ करती है। इसलिए मैंने इशाल को बोला कि आज से तुम भी 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा डेली यूज़ करोगी। तो उसके लिए वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने और फिर बस रो रो के उसने अपनी हालत ख़राब कर ली। इतना रोई कि रोते रोते बस सो गई। तो लास्ट में मुझे ही हारना पड़ा और मुझे वापस से इसको टैब ऑन करके देना पड़ा और मैंने इससे एग्री किया कि अभी तुम डेली मैक्सिमम 4 आवर यूज़ करोगी। तो इसने भी मुझसे एग्री कर लिया, लेकिन जब 4 आवर इसके ओवर हो जाते हैं तो बार बार आती है, मस्का लगाती है, मम्मा आधा घंटा 15 मिनट ऐसे ऐसे करके फिर से ऑन करवा लेती है। क्योंकि अभी ना स्कूल जा रही है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई ऐसे फ्रेंड है जिसके साथ जाके खेले, टाइम पास हो, घर में भी कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही रूम है उसमें बंद। तो इसके लिए बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब टैब के सिवा, मतलब इनकी ज़िंदगी में इनके टैब ही फ्रेंड है, टैब ही सब कुछ है। जब टैब का स्क्रीन टाइम ओवर हो गया तो मैंने इसको बोला कि चलो तुम पेंटिंग करो, अपने आप को बिज़ी रखो पेंटिंग से, क्योंकि हर वक्त तुम टैब यूज़ करते रहती हो तुम्हें कुछ और सोचता नहीं है, तो एटलीस्ट तुम पेंटिंग वगैरह करते रहा करो, अपने आप को बिज़ी रखो, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहा करो। तो फिर मुझे बोलती कि मम्मा तुम भी मेरे साथ करो। तो एक साइड में मैंने ये ट्री बनाया है और दूसरी साइड में शाल बना रही है। और शाल आप लोगों से पूछ रही है कि किसकी पेंटिंग बेटर है, मम्मा की या मेरी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज है फ्राइडे, रमेश सुबह आए हैं 10:30 बजे, फिर इन्होंने नाश्ता कर लिया था, 8:30 हो गए, अभी बज रहा है 1:15, पापा चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए और
लोग अभी आना स्टार्ट कर रहे हैं, 15 मिनट बाकी है नमाज के लिए। सवा 2 बजे हम लोग उठे हैं, बच्चों को तैयार किया है नमाज पढ़ी और अब निकल रही है दुबई के लिए, क्योंकि आज हमें रूम फाइनल करना है। जो भी देख रहे हैं एक दो लोगों से बात करी है, अभी वहाँ पर जा रहे हैं, देखेंगे रूम पसंद आएगा तो आज ही एडवांस देके फिर एक तारीख से शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक हमने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया ना खाना खाया, बहुत जोर की भूख भी लगी है, अभी रास्ते से कुछ सैंडविच वगैरह ले लेंगे। जहाँ तो हम लोग रहे रमेश के साथ में, लेकिन रमेश अपनी जॉब पर चले जाएँगे और उसके बाद जब सारे काम उनके ख़त्म हो जाएंगे तो 5-6 बजे तक वो आ जाएंगे। आज हम लोग दोपहर में जा रहे थे ना तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिली और हम लोग इतनी जल्दी दुबई भी पहुंच गए। घर से हमने कुछ खाया भी नहीं था और अभी इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी और रमेश को भी लेट हो रहा था, तो बस रमेश चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वहाँ पे वो पहुँच जाए, उसके बाद में जो कुछ भी लेना वहाँ से ले लेना खाने पीने के लिए। फिर भी हमें सतवा पहुँचते पहुँचते 3:15 बज गए थे और रमेश को लेट हो रहा था, तो रमेश ने बोला तुम लोग यहाँ पर उतर जाओ, तुम लोग यहाँ से कोई चीज़ ले लो खाने पीने के लिए और मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर, फिर जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम लोग को पिक कर लूँगा। तो बस हम लोग अलबेग चले गए, अलबेग से हमने 3 बर्गर ऑर्डर किए क्योंकि इनके बर्गर बहुत अच्छे होते हैं, तो उसके बाद में रमेश के लिए हमने पैक करवा लिया और यहाँ पे ही बैठ के हमने फिर अपना बर्गर एंजॉय किया, साथ में मैंने कॉफ़ी ले ली थी। तो बस हमने अपनी मील फिनिश कर ली थी और रमेश ने कॉल किया था कि तुम लोग टैक्सी लेके डायरेक्ट वहाँ पे आ जाओ पार्क में, क्योंकि मुझे आते हुए लेट हो जाएगा और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर ही आ जाऊँगा। तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जुमेरा 3 जहाँ पर वो पार्क है, तो बस बच्चे वहाँ पर थोड़ा बहुत खेल लेंगे और जब रमेश आ जाएंगे तो फिर हम लोग जाएँगे रूम देखने के लिए। इशाल मुझे बोल रही थी कि मुझे सतवा पार्क जाना है, मुझे जुमेरा पार्क नहीं जाना, लेकिन रमेश बोलते हैं कि जुमेरा पार्क आओ क्योंकि वो मेरी जॉब के नज़दीक है, मैं वहाँ से जल्दी से आ जाऊँगा। वहाँ पे पार्क है ना, बस पार्क में उतार देगा, पार्किंग है ना वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह पार्क में आ गए हैं हम लोग, ये रहा पार्क। और इशार बोलती है मुझे पानी भी जाना है, मैंने बोला नहीं मैं कपड़े वगैरह नहीं लेके आई हूँ और वैसे भी हमें रूम देखने जाना है तो स्विमिंग नहीं कर सकते आज। नो वी कांट स्विम टुडे, आई डिडंट कैरी योर ड्रेसेस। तो यहाँ पे बीच भी है और बच्चों के लिए पार्क भी है, 2 in 1। हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, ये पार्क हमें बहुत अच्छा लगता है। हम को देखा है कैसे ऊपर चढ़ जाती है माशाल्लाह, इतनी ऊपर डरती नहीं है। इशार हेल्प कर।
इस बीच पे ना ज़्यादातर अरबिक लोकल फैमिलीज़ आती हैं, क्योंकि आसपास यहाँ पे विला हैं और ये सारी फैमिलीज़ वगैरह सामने विला से आ जाती हैं और पूरी पूरी फैमिलीज़ आती हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के पार्टी करते हैं लोग, घर से पूरा खाने बनवा के बड़े बड़े पतीले सारे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। एक को तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर बैठ के वो लोकमत होते हैं ना जो गेमत, वो फ्राई कर रहे थे। मतलब उन लोग ने इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ था, कम से कम 25-20 लोग होंगे, और पूरा पूरा सामान लेके आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कालीन और इनके जो मजलिस में बैठने के लिए सोफे होते हैं वो वाले, उस तरह के सब लेके आते हैं। और सामने ये इन लोग ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ, यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है शायद। इस बीच पर ज़्यादातर अरबिक फ़ीमेल देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पास में घर है और वो अपने घरों से सारा सामान यहाँ पर मंगा लेती हैं। उनके साथ में हेल्पर भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, तो जो भी उनको सामान चाहिए होता है वो यहाँ से लेके आ जाते हैं। और कोई कोई तो मतलब खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, और कोई कोई अपने घरों से पकवा के नौकरों के हाथ में मतलब यहाँ पे भिजवा देते हैं। तो बस ये लोग पूरी रात ऐसे बैठ के इंजॉय करती हैं, खाते पीते रहती हैं, बातें बातें करते रहती हैं। और बस इनके जो नौकर हैं वो बेचारे थक रहे होते हैं, कोई ना कोई सामान उनसे मंगवाते रहती हैं बार बार। पार्क में हम लोग आ गए थे 4:15 बजे के टाइम पे, और इस टाइम पे इतनी धूप भी नहीं थी, हल्की हल्की सी धूप थी, फिर भी मतलब इतने दिनों के बाद हम लोग धूप में बैठे ना तो मेरा सर दर्द करने लगा। और जब तक कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेरा सर दर्द करते ही रहा, मतलब कंटिन्यू मैं अपना सर दबा रही थी। बच्चे अपने खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और मैं एक जगह पे बैठ गई थी। रमेश को भी मैंने कॉल किया था मतलब 6 बजे के करीब, तो वो बोलते हैं अभी भी नहीं, मेरा काम हुआ है, थोड़ी देर और लगेगी। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे, बच्चे भी थक गए थे, इशाल को भी तो नींद आ रही थी। इल्हाम को ये ट्रैम्पोलिन बहुत पसंद आया, मतलब इसने आज इसमें बहुत जम किया। जब भी कोई दूसरा बच्चा आ जाता था तो ये रोने लगती थी कि बस बोलती है मेरा है, मुझे खेलने दो, लेकिन सारे बच्चों को खेलना होता है, फिर क्या कर सकते हैं। So cute, wow. इशाल, इशाल आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? इशाल सो के एंजॉय कर रही है, खुद सो रही है, कब से यहाँ पे बैठी है, सारे लोग स्पिन कर रहे हैं, वो आराम से एंजॉय कर रही है। फ्री में चाय रमेश के फ्रेंड से, रमेश के फ्रेंड है हर जगह। और क्या होता है, 7:30 बजे रमेश आ गए थे, और मैंने रमेश को बोला सबसे पहले मुझे चाय पिलाई क्योंकि मेरा सर फटे जा रहा है। तो फिर हम लोग गए मीना रोड, वहाँ से रमेश ने अपने दोस्त से चाय पिलाई, और उसके बाद आ गए हम ममजार में। यहाँ पे मैंने कुछ रूम सेलेक्ट किए हैं जो आज हमने यहाँ पे देखने आए, फाइनल करना है। ये एरिया हमें बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विलास थे, यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नहीं थी, और दूसरी चीज़ यहाँ पर सुपर मार्केट वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ छोटी मोटी ग्रोसरीज थी। और बाकी जो एरिया था मतलब एकदम शांत था, कोई नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं। जिसको मतलब खामोशी वाला एरिया पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो एजेंट से हम मिले थे, पहले मैंने उससे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें फ़ाइनल कर ली थी, मतलब पिक्चर वगैरह मंगा ली थी, वीडियो भी मंगा लिया था रूम का, और प्राइस भी फ़ाइनल कर लिया था। लेकिन जब हम आज यहाँ पे गए देखने के लिए, तो पहले उसने मुझे बोला था 2600 का है वो रूम, और आज वो बोल रहा है कि वो 2800 का है, मतलब 2800 सिर्फ रूम की, और उसकी जो फ़ीस है एजेंट की वो 400 दिरहम। तो मैंने बोला कि आपने तो मुझे व्हाट्सएप पे ये कहा था, बोलते नहीं वो वाला रूम नहीं था, शायद वो कोई दूसरा होगा, मेरे जहन से निकल गया, मतलब अभी वो पलट गया। तो बस हमने बोला कि हमें तो वही पसंद था, तो हमने बोला अगर आप 2600 में दोगे तो हम लोग आज फाइनल कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, इतने में नहीं हो सकता। तो फिलहाल हमने उससे अकाउंट नंबर ले लिया, और हमने उसको बोला कि हाँ अगर हम डिसाइड करेंगे तो हम तुम्हें मतलब एडवांस पेमेंट भेज देंगे रात में या कल सुबह तक। तो बोला ठीक है। तो बस घर पे आने के बाद हम लोग रात भर सोचते रहे कि क्या करें। तो रमेश बोलते कि मुझे इन एजेंट पे मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं है, कल को ये बोलेंगे कि यहाँ से खाली करो, एक महीना दो महीना रखने के बाद, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, फिर एजेंट की फ़ीस दो। तो ये बोलते हैं कि मुझे जो मेरा में एक जगह पसंद आया तो मैं बस वहाँ के लिए फ़ाइनल करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह में रमेश ने मुझे बोला कि उसका मैं अकाउंट सेंड करता हूँ, तो तुम उसको 500 एडवांस सेंड कर दो। जुमेरा में जो रूम है मतलब वो भी विला के अंदर है, लेकिन वो फर्निश नहीं था, और मैं चाहती थी कि मुझे फर्निश मिल जाए ताकि मुझे कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जो भी चीज़ें खरीदना है वो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, लेकिन रमेश को नहीं समझ में आ रहा था। तो वो बोलते नहीं, ये मेरी जॉब के भी नज़दीक है और रूम भी मतलब अच्छा है, साफ़ सुथरा है,
लेकिन ना वहाँ पे किचन बराबर है और ना ही वो वॉशरूम बराबर है, मतलब वॉशरूम और किचन वैसे ही टेम्पररी वाला बना हुआ है। तो बस रमीज के कहने पे वो रूम फाइनलाइज कर लिया है, क्योंकि रमीज और कहीं रूम देखना भी नहीं चाहते और उनको मतलब रूम देखने के झंझट में पड़ना भी नहीं है। वो मतलब इस चीज़ से बहुत मतलब उनको आलसी आती है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह रूम शिफ्ट करो, वो इस चीज़ से बहुत गुस्सा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रूम तो फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन अभी रूम में कोई चीज़ नहीं है। उसको घर बनाने के लिए अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें उसमें लाना पड़ेंगी, मतलब ए टू जेड फ्रिज भी लाना पड़ेगा, कुकिंग गैस सिलेंडर और रेफ्रिजरेटर बेड्स हर चीज़ लाना पड़ेगी। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।